जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम यानी मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी के समय आपको जो उल्टियाँ होती है उसकी समस्या के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण हालांकि यही है कि उल्टियां होती है, जी मचलाता है, किसी किसी को चक्कर भी आते हैं। तो इन्हीं सब लक्षणों में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे मदद कर सकती है, आप क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको जो ये वॉमिटिंग बार बार होने की टेंडेंसी बनी हुई है प्रेगनेंसी में वो ख़त्म हो जाए। तो ये इस वीडियो जो है इसी सब के इर्द गिर्द घूमता हुआ है। इसके अलावा अगर जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी वो नॉर्मल जी घबराने में भी आप यूज़ में ले सकते हैं अगर सिम्टम सिमिलर होते हैं तो, यानी कि प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है और कोई आम इंसान भी सिम्टम सिमिलर होने पर जी घबराने की समस्या पर इन मेडिसिन को यूज़ कर सकता है। तो वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, वीडियो पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले। इसके लिए आपको बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा और साथ ही मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और किन टॉपिक पे वीडियो बनाने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वॉमिटिंग जो है वो प्रेगनेंसी में क्यों होती है और ज़्यादा किस समय पे होती है इसके बारे में। तो जो वॉमिटिंग है होने का रीज़न है प्रेगनेंसी में, उसका सबसे मेन कारण हार्मोनल इम्बेलेंस होता है। स्पेशली जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है उस समय हमारी जो प्लेसेंटा होती है महिलाओं की, उससे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी वजह से आपको जी घबराना और वॉमिटिंग जैसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो बच्चा है या आने वाला बच्चा है वो कहीं ना कहीं एक तरह से बॉडी में फॉरेन बॉडी है, और जब आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी आता है तो आपकी बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्शन देती है। उन्हीं में से एक रिएक्शन है वॉमिटिंग, जी घबराना, चक्कर से आना, डिस्कम्फर्ट फील होना या मन अच्छा ना लगना। तो ये जो सिम्टम्स है आपने देखा ही होगा स्पेशली मूवीज में, तो इसी सिम्टम्स के आधार पर ये कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी है। तो हाँ, ये एक इंडिकेशन है कि आपको प्रेगनेंसी है। और अधिकतर जो ये जी घबराना है 4th वीक से स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी में स्पेशली। तो क्या है इसका जो समय है, जो वर्स्ट टाइम होता है वो अधिकतर 6th वीक से 9th वीक का समय होता है। 4th वीक से स्टार्ट होता है और ये लगभग आपको 3 मंथ तक स्टार्ट रहता है, 3 मंथ तक आपका ये कंटिन्यू रहता है, आपको प्रॉब्लम होती है। और कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जिनको 3 मंथ के बाद भी इस तरह की समस्या सामने आती है, वॉमिटिंग होती रहती है, लेकिन अधिकतर महिलाओं में सबसाइड हो जाती है। कुछ महिलाओं में ऐसा भी होता है कि 2nd ट्राइमेस्टर में कम्फर्ट फील होने लग जाता है और फिर वापस जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है यानी जो 6th मंथ होता है उस समय से वॉमिटिंग स्टार्ट होने लगती है। अभी जो मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी आपके हर टाइम की प्रेगनेंसी की हर एक टाइम की मेडिसिन है, यानी आपको कभी भी अगर वॉमिटिंग हो रही है किसी भी ट्राइमेस्टर में पूरी तरह से सेफ है, आप इसको ले सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे भारत में पूरे वर्ल्ड वाइड में 10 में से लगभग 7 प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती है उनको वॉमिटिंग, जी घबराना ये समस्या होती ही है प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर इस तरह की समस्या नहीं हो रही है किसी प्रेग्नेंट महिला को तो भी वो पूरी तरह से नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जब ये वॉमिटिंग होती है तो आपको कुछ ना कुछ टिप्स ऐसे होते हैं जो फॉलो करने चाहिए जिससे कि आपकी जो वॉमिटिंग है, जी घबराना, ये सारी चीज़ें कम हो जाए। सबसे पहली चीज़ तो आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स रखना है अपने डाइट में, जूसेस वगैरह पूरे पीने हैं, पानी का इंटेक जो है वो पूरा अच्छा होना चाहिए, हाइड्रेट रखनी है अपनी बॉडी को। दूसरा, ट्रिगरिंग फैक्टर आप जरूर अपने देखिए कि किस चीज़ से आपका ज़्यादा जी घबराता है, उससे जितना हो सके उससे थोड़ा दूर रहिए, उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप किसी का रोटी खाने से ही जी घबरा रहा है, खाने की खुशबू से ही जी घबरा रहा है तो क्या करें, वो अवॉइड करें? नहीं, बिल्कुल इसका सॉल्यूशन होम्योपैथी में है। लेकिन जो दूसरी चीज़ें होती है जो अवॉइड की जा सकती है वो आप अवॉइड कीजिए। होम्योपैथी इसीलिए बेस्ट है कि आपकी पर्टिकुलर जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, जिस चीज़ की वजह से आपको वॉमिटिंग हो रही है, इवन खाने की स्मेल से, रोटी की स्मेल से आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी मेडिसिन आपका ना केवल जी घबराना ठीक करेगी, वॉमिटिंग रोकेगी, बाकी अगर आप खाना खाने का मन नहीं हो रहा है तो वो भी आपको होने लग जाएगा अगर आप सेम सिम्टम्स लेकर अगर मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तो। अब हम बात करते हैं कि और क्या हमको ध्यान रखना चाहिए अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है प्रेगनेंसी में। तो खाना का जो शेड्यूल है वो आपको फिक्स करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना है,
प्रोटीन रिच फ्रूट खाना है, क्योंकि प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी की जो स्टेजेस होती है, सारी स्टेज में प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ, लेकिन जब आपके कोई पैथोलॉजी आ रही है या आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि एल्बुमिन जा रहा है, अगर यूरिन में अगर आप टेस्ट कराते हैं आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर आपकी डाइट चेंज हो जाती है। लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो प्रोटीन रिच डाइट खाना जरूरी है, फैट कम खानी है आपको, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, और खाना जो है वो हमेशा हल्का होना चाहिए, ज़्यादा लेट नाइट आपको खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब एक अच्छा शेड्यूल आपको मेंटेन करना चाहिए जिससे कि आपकी जो वॉमिटिंग है, नोजियटिंग फीलिंग है वो कम से कम। अब होम्योपैथी की बात करें कि क्या सिम्टम्स हों तो आप क्या मेडिसिन खा सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी नक्स वोमिका 6CH पोटेंसी में और एंटीमक्रोट 6CH पोटेंसी में आप कब ले सकते हैं, क्या सिम्टम होते हैं। अगर आपको कब्ज बनी रहती है, आपका मुंह कड़वा खट्टा पानी से भर जाता है, जी मिचला रहा है और ऐसा लगता है कि वॉमिट हो जाएगी तभी आराम होगा, तो आप ये मेडिसिन अदल बदल के ले सकते हैं, नक्सोमिका 6CH और एंडिमक्रूट 6CH, दिन में 3 से 4 बार लीजिए। इस तरह की अगर आपकी प्रॉब्लम है तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एक कंडीशन आती है प्रेगनेंसी में जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली होती है कि आपकी वॉमिटिंग किसी भी तरह से नहीं रुक रही है और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है आपको, आप कितनी भी मेडिसिन ले रहे हैं, इवन कई बार आपको ड्रिप्स भी चढ़ानी पड़ जाती है, तो उसकी सबसे शानदार मेडिसिन है सिम्फोरिक कार्पस 30, और अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम मिलते हैं तो आप 200 पोटेंसी में भी इसको ले सकते हैं, 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार, और ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आप इसका रिपीटेशन बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये लेकर आप अपनी वॉमिटिंग्स को बंद कर सकते हैं। एक कंडीशन आती है कि जब आपको सिंपल खाने का कि स्मेल आती है उसी से आपको वॉमिटिंग होने लग जाती है या जी घबराने लग जाता है, खाना देखकर भी आपका जी घबराने लग जाता है, तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है CPR 30, 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं और अपने इस तरह की समस्या से निजात पा सकते हैं। एक कंडीशन आती है कि आपका जी घबरा रहा है, वॉमिटिंग आपको हो रही है और आपका बिल्कुल खाने का मन ही नहीं हो रहा है, आपको लगता है खाना ही छोड़ दें, तो मैंने ये बात आपको शुरू में भी बोली थी कि आप उस समय खाना ही छोड़ दें ट्रिगरिंग फैक्टर अगर है तो, नहीं बिल्कुल नहीं, इसके लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है लोरोसेरेसस 30 पोटेशियम में, अगर 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार लेते हैं तो किस तरह की जो समस्या है कि खाना देखते ही मन नहीं कर रहा है, खाना ही नहीं है, कुछ खाने की इच्छा नहीं है, तो ये वाली फीलिंग भी चली जाएगी और आपका जी घबराना, नोजिएटिंग फीलिंग जो हो रहा है, वॉमिटिंग जो हो रही है वो भी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है कोल्चिकम 30। ये मेडिसिन आपको कब लेनी है, जब आपको आपने खाना देखा नहीं है, दूर हैं आप लेकिन खाने की गंध आई है आपको, खाना दूसरी जगह पक रहा है, किचन में पक रहा है, बाहर भी बैठे हैं और आपको उसकी हल्के से स्मेल आई और आपको जी घबराने लगा, या फिर आप थोड़ा सा भी कार में या गाड़ी पे बाहर निकल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या थोड़ा सा भी ट्रैवल कर रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल तो प्रेगनेंसी में नहीं करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत भी किया और उस समय बहुत तेज जी घबरा रहा है, तो कोल्चिकम 30 बहुत अच्छी ड्रग है, 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं इसको, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये, सुबह दोपहर शाम करके ये आपकी इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से ठीक कर। इसके अलावा इपिकेक 30 तो रामबाण मेडिसिन है जी घबराने की, हम होम्योपैथ्स कई बार सिर्फ जी घबराने के लिए कोई सिम्टम्स नहीं लेते और कई बार ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, इपिकेक 30 ये मेडिसिन आपकी प्रेगनेंसी में भी बहुत यूजफुल रहेगी, आप इसको अगर बिल्कुल प्रेग्नेंट है और आपको कभी कभी जी घबराता है तो ये मेडिसिन बिल्कुल घर में ला के रख दीजिएगा, इपिकेक 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं, इवन आप इसको हर 2-2 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं, अगर आपका इस तरह का जी घबराता है सिम्टम्स आप जरूर मैच कीजिएगा। इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, आपका जो जी घबरा रहा है आपको वॉमिटिंग हो जाती है लेकिन वॉमिटिंग होने के बाद भी आपका जी ठीक नहीं हो रहा है, मतलब आपको फिर भी वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन आ रहे हैं, अगर इस तरह के सिम्टम हैं तो इपिकेक 30 बहुत अच्छा शानदार काम करती है और आपका जी घबराना बंद कर देती है, वॉमिटिंग भी बंद कर देती है। एंटीमटर 30 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है जी घबराने की, इसके सिम्टम्स थोड़े से एपिकेक से अलग है, इसमें क्या होता है आपका जी घबरा रहा है, आपको उल्टियाँ हो रही है लेकिन जैसे ही उल्टी होती है आपको और थोड़ा सा आपको लगता है कि अब थोड़ा सा कंफर्ट आया, थोड़ा सा रिलैक्स है, तो इस तरह की जो कंडीशन है और साथ में अगर आपका कफ भी हो रहा है, कफ गड़गड़ा रहा है छाती में, तो एंटीमटर 30 बहुत अच्छा काम करती है, 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार इसको ले सकते हैं, अपने जी घबराने की जो टेंडेंसी बनी हुई है उसको ठीक कर सकते हैं। फॉस्फोरस 30 मेडिसिन भी बहुत यूजफुल है प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग में, इवन नॉर्मल भी अगर किसी का पानी देखकर जी घबरा रहा है तो फॉस्फोरस 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ली जा सकती है और
अपनी कंडीशन को आप पूरी तरह से इससे इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पेशली जो प्रेगनेंसी में आपका पानी देखकर जी घबरा रहा है, इवन आपका नहाने का मन भी नहीं कर रहा है और आप नहाते हैं भी हैं तो आपको आंखें बंद करनी पड़ती है क्योंकि वो पानी देख कर आपका जी घबरा रहा है, तो फॉस्फोरस 30 बहुत शानदार रिजल्ट देगी आपको। आप बिल्कुल इस मेडिसिन को लेके देखिएगा, आपकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। एक कंडीशन और हो सकती है प्रेगनेंसी में, जब आपको खाते समय नींद सी महसूस हो रही है, आपका बैक में पेन बहुत हो रहा है और आप जब चलना फिरना शुरू करते हैं, जैसे ही चलना फिरना शुरू करते हैं और आपका जी घबराने लगता है या आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है, बैठे हैं सोए हैं तब आपको जी घबराने की कोई शिकायत नहीं, चलने फिरने से आपका अगर जी घबराता है, काली का आप 30 दो दो बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं और इस तरह के जी घबराने को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बिल्कुल बताइएगा मुझे, आपके कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपके सारे सवालों का जवाब दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।